विश्वकर्मा, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, स्पिरिचुअल हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। टैरो कार्ड रीडिंग से संबंधित मेरे तीन चैनल्स हैं, माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, जिस पर मैं देती हूँ राशियों के हिसाब से रीडिंग, माइंडफुल लाइफ डॉक्टर गुंजन, जहाँ पर मैं देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग्स और लव रीडिंग्स, और माइंडफुल चॉइसेस डॉक्टर गुंजन, जिस पर मैं आपको देती हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग्स डिफरेंट टॉपिक्स पर। इसके अलावा अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो रीडिंग या वास्तु कंसल्टेंसी, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। मेरे चैनल के लिंक्स और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिले मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिना चूके। और जब आप एक टैरो रीडिंग देखते हैं तो मेरी टाइमलेस होती हैं रीडिंग्स, सारी टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो आप मेरी किसी भी रीडिंग के संपर्क में कभी भी आए तो उसमें आपके लिए कोई गाइडेंस ज़रूर से हो सकती है। हालांकि यहाँ चैनल पर दी जाने वाली रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो अगर आपको ये रेजोनेट करती हैं तो वेल एंड गुड, अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप अपने लिए लीजिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस। जब आप रीडिंग्स को देखते हैं राशियों के हिसाब से, तो आप सन साइन, मून साइन, लग्न के हिसाब से यानी राइजिंग के हिसाब से, या वीनस के हिसाब से अपनी राशियों को चेक कर सकते हैं। मैं जब राशियों के लिए रीडिंग करती हूँ तो मेरी इंटेंशन ये रहती है कि सन साइन, मून साइन, वीनस और असेंडिंग यानी कि लग्न से आपको वो राशि सूट कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लव रीडिंग कैप्रिकॉन्स के साथ में। कैप्रिकॉन्स, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, लेट्स जस्ट चेक। ये रीडिंग पहले की रीडिंग से थोड़ी अलग होने वाली है, हम सिंगल टैरो डेक का इस्तेमाल करने वाले हैं। दिस इज नॉट अ यू वर्सेस देम, वाह, दिस इज नॉट यू वर्सेस देम एनर्जी। हम एक जनरल रीडिंग लेके देख रहे हैं कि क्या लव एनर्जीज आती हैं आपके अराउंड। ओ वाओ, दिस इज लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैप्रिकॉन, दिस इज यू। आपको पता है अर्थ साइन क्या है, पेंटिकल्स इज अर्थ साइन आपका, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत बहुत ग्राउंडेड, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग। वाओ, दिस इज लाइक अ वाओ, अ क्वीन सिटिंग ऑन हर थ्रोन, एक रानी जो अपने सिंहासन पर बैठी हुई है, उनके हाथ में एक पेंटिकल है, जैसा कि आप देख सकते हो। वेल कॉन्फिडेंट, वेल ग्रूम्ड और वेल नर्चर्ड लेडी, जिनके साथ में आप देख रहे हो यहाँ पर एक डॉग बना हुआ है, डॉग उनके पास में रखा हुआ है। दैट डज मीन्स कि आपके आसपास स्वामी भक्त लोगों का, फेथफुल लोगों का सपोर्ट आपको इस समय में मिल रहा है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल 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 कार्ड, मुझे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत पसंद है। एक ऐसी रानी जो लोगों को नर्चर करती है, लोगों की केयर करती है, एट द सेम टाइम अपनी सेल्फ बाउंड्रीज को भी टाइट करके रखती है, लोग उनका फ़ायदा उठा के नहीं जा सकते। वो चैरिटी करती हैं, वो दया का भाव रखती हैं, कंपैशन रखती हैं, लेकिन उनको अपनी एसेट्स, अपनी सेल्फ एस्टीम को संभाल कर रखना भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। दिस इज़ वॉट अ लेडी शुड बी, अ लेडी शुड लिव लाइक। एक लेडी को एक सेल्फ एस्टीम, हाई एस्टीम में रहने के लिए, एक डिवाइन फेमिनाइन को जिस तरीके से अपनी लाइफ को कैरी करना चाहिए, दिस इज द लेडी आई लव। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन आपको रिप्रेजेंट करती है। आप एक बहुत ग्राउंडेड, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में है, कंपैशनेट एनर्जी में है, फेथफुल हैं आप, बहुत अपने आप के साथ फेथफुल हैं आप, सेल्फ एस्टीम में इस वक्त में जी रहे हैं। आपने अपने लिए ऑब्स्टेकल से हटकर अपने लिए एक साम्राज्य बनाया है, और अब बैठकर आप, जिसे हम कहते हैं कि अपने लगाए हुए पेड़ों के, वृक्षों के फल को बैठकर खाना, जिस तरीके से आनंददायक होता है, जो सेटिस्फैक्शन देता है, उस सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी में, ये क्वीन एनर्जी में इस समय में आप हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में आप हैं, अबंडेंस से फुल, प्रॉस्पेरिटी से फुल, एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत अबंडेंट, एक बहुत ग्राउंडेड। वट ये एक ऐसी लेडी है जिसकी ज़िंदगी जीने के लिए लोग कल्पना करते हैं, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ द फैंटास्टिक एनर्जी। आपके पास धन है, आपके पास समृद्धि है, आपके पास फेथफुल स्वामी भक्त लोग हैं, आपके पास में अच्छा स्वास्थ्य है, आपका दिल दिमाग स्वस्थ है, आपकी सोच विकसित हो चुकी है, आप माइंड, बॉडी और सोल से पूरी तरह बैलेंस है, और जो कुछ भी आपके पास है उसको आप बहुत लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, और क्योंकि आप एक ग्रेटफुल एनर्जी में हैं और
एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ईश्वर भी यानी यूनिवर्स भी आपको बहुत सारी समृद्धि से इस समय में नवाज रहा है, ऐसी ये एनर्जी यहाँ पर है। और मुझे इस समय में लगता है कि कैप्रिकॉन्स, क्योंकि ये लव एनर्जीज हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉन्स कि इस समय में आपका बहुत अधिक ध्यान प्यार पर नहीं है या इमोशंस पर नहीं है। यू आर लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने धन को, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर को संभालने पर लगे हुए हैं, और आप ऐसे रिलेशनशिप्स को संभालने पर लगे हुए हैं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं, जो आपको लंबी समय तक आपको साथ दे सकते हैं, जो फेथफुल रिलेशंस हैं। केवल ऐसे ही रिलेशंस के ऊपर आप इस समय में ध्यान दे रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो दिस इज कूल। सन कार्ड, सी, अगर आप मैरिड हैं या अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो डेफिनेटली वो बहुत फेथफुल पार्टनर है आपके साथ में। इस समय में एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। वेदर आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट में है या आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट में नहीं है, आप अपने प्रति कमिटेड हैं और आप अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ बनाने की दिशा में आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। इस समय में आपकी ज़िंदगी में जो भी रिलेशनशिप होंगे बहुत बैलेंस रिलेशनशिप होंगे, या तो वो होंगे और बैलेंस्ड होंगे या फिर वो नहीं होंगे। अनबैलेंस रिलेशनशिप्स का आपकी ज़िंदगी में इस समय में कोई स्थान नहीं है। जो रिलेशनशिप्स आपको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड नहीं कर सकते और जो रिलेशनशिप्स आपको ट्रू लव ऑफर नहीं, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो आपको ट्रू लव ऑफर नहीं कर सकते, जो आपको अनकंडीशनल लव ऑफर नहीं कर सकते, वाओ, दिस इज उनका आपकी इस खुशहाल जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। दिस इज टेन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज लाइक वाओ। और मुझे बहुत सारे कैप्रिकॉन्स अभी बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं, आई डोंट केयर, मेरे कार्ड्स बोलते हैं। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स एक बहुत खूबसूरत हैप्पी प्रॉस्परस लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, उनकी फैमिली में समृद्धि है, धन है, बड़े बुजुर्गों का उनको आशीर्वाद है, बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, मे बी उनके पेट्स होंगे या फिर ऐसे लोग जो उनको, या फिर उनके फ्रेंड्स होंगे जो उनको बहुत बहुत पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। दिस इज मून कार्ड, क्योंकि ये लोगों का, आप लोगों का शायद इंट्यूशन बहुत पावर, बहुत तेज हो चुका है, और इसलिए आपको एक्चुअल में अपने लिए पता है और आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं कैप्रिकॉन्स, इसलिए आपको पता है कि आपको किसको बिलीव करना चाहिए और आपको किसका बिलीव नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ कर, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करके आप अपने लिए पार्टनर्स का चयन कर रहे हैं। मे बी ये, क्योंकि ये लव रिलेशन है ऑब्वियसली, या तो आप ऑलरेडी जिस पार्टनर से प्यार करते थे या जिसके साथ आपका एक कमिटेड रिलेशन था, उनके साथ ऑलरेडी आप एक बहुत खूबसूरत जिंदगी बिता रहे हैं। इस वक्त आप जिस पार्टनर के साथ हैं वही आपका ट्रू स्टार सोलमेट है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मून कार्ड जो आपके साथ सीक्रेट्स रखता है, जो आपके साथ में पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में इस समय में नहीं हो सकता। किंग ऑफ कप्स, जो आपके साथ में अपने इमोशंस को शेयर ना करना चाहे, जो आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाना चाहे, जो अपने दिल की बात दिल में रखता हो, ऐसे इमैच्योर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे इमैच्योर थिंकिंग रखने वाले लोगों का आई डोंट थिंक, ओ वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, शायद आपने ऐसे लोगों को डायरेक्ट ऑफर कर दिया है, बी अ किंग, मेरी लाइफ में अगर आपको रहना है तो बी अ किंग, आई डोंट अलाउ पेज एनर्जीज इन माय लाइफ। और किंग भी कौन सा, एज यू कैन सी दिस इज द पावर कपल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ज़िंदगी में या तो वैसा इंसान है जो आप डिज़र्व करते हैं, जो ट्रूली आपको डिज़र्व करता है, या फिर आप ऐसे इंसान के लिए इस समय में अपने माइंडसेट को रेडी कर सकती हैं, रेडी कर चुके हैं, मेरी ज़िंदगी में अगर रहना है तो बी अ किंग, आई डोंट अलाउ अ पेज और अ नाइट एनर्जी इन माई लाइफ। दिस इज ब्यूटिफुल, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में प्रीवियस हार्ट ब्रेक से सबक लिया है। प्रीवियसली आई डू थिंक 2-3 रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में ज़रूर फेल हुए होंगे आपने, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक अ सेल्फ मेड क्वीन, तो डेफिनेटली आपने अपनी, वाओ, आपने इस चीज़ से सबक लिया है कि ज़िंदगी में जो लोग आपका हार्ट ब्रेक करते हैं, जो आपको कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, ऐसे लोग अल्टीमेटली आपका हार्ट ब्रेक ही करके जाएंगे। इसलिए नाउ यू आर ओनली एंड ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन दोज रिलेशनशिप विच कैन गिव यू अ सॉलिड कमिटमेंट। वाओ,
दिस इज पेज ऑफ कप्स एंड आई डू थिंक यू हैव, आपने अपने लिए एक ऐसे पार्टनर का चयन कर लिया है जो आपको एक बहुत बेहतरीन जिंदगी देने का प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस पर खरा रहता है, और ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपने अपनी जिंदगी की बहुत खूबसूरत शुरुआत कर दी है. दिस इज़ ब्यूटिफुल. एट ऑफ पेंसिल, आई टेल यू, आपने किसी ऐसे रिलेशन पर काम करना शुरू कर दिया है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा नज़र आता है, जिसमें आपको लगता है कि इस पौधे में बरगद और पीपल बन जाने की क्षमता है. ऐसे किसी एबल रिलेशनशिप के ऊपर आपने डेफिनेटली इस समय में काम करना शुरू कर दिया है. बिकॉज स्ट्रेंथ, बिकॉज यू आर इन योर पावर, यू नो योर वर्थ, यू नो योर वॉट यू डिज़र्व एंड हाउ विल यू अचीव दिस. आप बिल्कुल प्लान्ड वे में सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी में आगे जा रही हैं, और ये सक्सेस ना सिर्फ आपने अपनी मटेरियल और करियर में गेन करी है बल्कि आपने रिलेशनशिप में. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, नथिंग. आई डोंट वॉन्ट एनी नेगेटिव एनर्जी इन माई लाइफ बिकॉज नाउ आई एम वेरी वेरी मच क्लियर वॉट आई वॉन्ट, वेयर आई शुड गो, वॉट आई हैव टू डू, कौन से लोग मेरी ज़िंदगी में रहने चाहिए और कौन से लोगों से मुझे वॉकआउट कर जाना चाहिए. एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, आपने सिर्फ वॉकआउट नहीं किया है, आपने डेफिनेटली, दिस इज़ द टावर एनर्जी, आपने बड़ी अच्छी तरीके से ऐसे रिलेशनशिप को क्रम्बल किया है जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बाधा बन रहे थे. एंड दिस इज़ द फाइनल रीडिंग, यू हैव द सक्सेस इन रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप में सक्सेस कैसे हासिल की जाती है, सक्सेसफुल पार्टनर्स को अपनी ज़िंदगी में कैसे रखा जाता है, और पार्टनरशिप में किस तरीके से बिहेव किया जाना चाहिए और किसी पार्टनर से कैसे बिहेव करवाना चाहिए. यू हैव मास्टर्ड द इमोशंस, यू ऑल योर इमोशंस, यू हैव मास्टर्ड द टेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, और इसी वजह से सक्सेस का कार्ड आपके लिए है. ऑल पॉजिटिव पीपल अराउंड यू आर विद यू. आपने अपने लोगों को चुन लिया है, आपने अपनी सेना को चुन लिया है, कौन आपके साथ रहने चाहिए, कौन आपके साथ होने चाहिए, ये मेरी टीम है, ये मेरी सेना की टुकड़ी है, ये मेरे साथ काम करेंगे और इनके साथ मैं ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत मुकाम हासिल करूँगी. वाओ, दिस इज़ वाओ. और क्योंकि आपने ऐसा डिटरमाइन किया है, इसलिए या तो आपकी दिशा में एक किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी एक कमिटेड सॉलिड व्हाट शुड आई से एक्टिव एनर्जेटिक फेथफुल पार्टनर आपकी दिशा में आना चाहता है, आने वाला है, एंटर करने वाला, या फिर ऑलरेडी आप ऐसे ही पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं. दैट इज़ द एंड ऑफ माई रीडिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड वाओ, बॉटम ऑफ द डेक ज़रूर चेक करना चाहूँगी. आई एम सॉरी, शायद इस रीडिंग में मैंने कई बार वाओ बोल दिया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी एनर्जी जो है इसी तरह से बूस्ट अप हो जाती है जब मैं ऐसे अच्छे कार्ड देखती हूँ. द मैजिशियन, यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ यार, यू आर द बैटल विनर. आपने अपनी ज़िंदगी की जंग को जीत लिया है, आपने अपने साथ माइंड गेम खेलने वाले लोगों को अच्छी तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी से एक एक करके हटाया है. एंड यू आर लाइक द क्रिएटर, यू आर द मैजिशियन, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव ऑल द पावर, यू हैव ऑल द प्लानिंग ज़िंदगी में कदम दर कदम कैसे आगे बढ़ना, यू आर द मास्टर मैजिशियन. सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन्स पीपल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई विल बी बैक सून. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.